हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना से सटे नौबतपुर में एक शराबी पति ने अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। घटना नौबतपुर के वसुदेवपुरी की है। वही पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मृतिका की माँ ने बताया कि मृतिका का पति हमेशा उसके साथ मारपीट किया करता था। कौन बोले कि जहर खा के मर गया? कितने दिन पहले शादी किए थे? ये साल पहले हुआ था मामा? ढेर दिन हो गया, ये सबसे बड़की है, ये जेठौ की बेटी है। और कुछ पहले मारपीट करते थे का? हाँ। किस बात को लेकर मारपीट करते थे? अब कहा जाने, अब घर में हमने तो कहा जाने के लिए, मुर्गा मुर्गी की लड़ाई है तो हमने तो कहा जाने के लिए कैसे करता है, किसे मार रहे हैं? किस बात को लेकर? हम नहीं जाने, बल्कि हम लोग तो अपने घर थे, हम लोग जान रहे थे कि तुम क्या कर रहे। आप लोगों को कब सूचना मिला? दिन में मिला है, सुबह। क्या सूचना मिला? कि आपको पहुँच जहर खा के मर गए, यहाँ आए तो सब फूल खा रहे थे, बहुत मार। कौन बोले थे कि जहर खा के मर गए? जीजे फोन किए थे। आपका नाम? सीतामढ़ी के डुमरा थाना के कोरियाही गांव में बिजली आपूर्ति के काम में लगी एक निजी कंपनी के दो मजदूर की हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना के पीछे बिजली विभाग की लापरवाही बताई है। वहीं पुलिस के देर से पहुँचने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। घटना घटी है कि बिजली में शॉर्ट के। कई लोग मरा है? दो आदमी घायल भी है। ये वो घायल है, थाना को फोन करे, थाना नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नालंदा में एक बार फिर एक बहू को दहेज के लोभी ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया है। घटना भागन बिगहा ओपी के बोकना गांव की है, जहां दहेज की रकम नहीं देने पर ससुराल वालों ने नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्राम बोकना के पास विनोद पासवान की बहू को गला दबाकर मारकर लोग भाग गया है। इसका सूचना मिलते हम लोग पहुँचे, घर पर कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़की का लाश था जो फांसी लगाया हुआ था। ये 6 लाख रुपया दीजिए समझी साहब, और घर और संपत्ति का क्या विचार किए? ये रजिस्ट्री कब कर रहे हैं? हम गरीब भाई, जब तक हम अपने बच्ची को शादी नहीं कर लेते हैं, जब तक हम कुछ आपसे कह नहीं सकते हैं। इसी कारण हमारी लड़की को गला दबाकर। अररिया के बरदहा हाई स्कूल मैदान में राजद की ओर से चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद मनोज झा समेत जोकीहाट विधायक ने शिरकत की और राजद प्रत्याशी सरफराज आलम के पक्ष में वोट मांगा। इस सभा में तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश नागपुरिया कानून पर चल रही है, यह सरकार अमीरों की है, गरीब और किसानों की सुनने वाला कोई भी नहीं है इस सरकार में। रहे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, वह बिहार प्रांत के युवा सम्राट, क्रांतिकारी, प्रतिपक्ष के नेता। इसके बाद चुनाव नहीं होगा। अगर ये व्यक्ति आ गया तो ये दलित बहुजन समाज और अग्रणी जाति में जो प्रगतिशील जमात है उन सबको हजार वर्ष पीछे छोड़ देगा। इस आदमी के मनसूबे ठीक नहीं है। इस आदमी ने हिंदू मुसलमान किया, इस देश को 100 साल पीछे ले गया। ये आदमी झूठा और फरेबी है। इसने भाइयों के बीच में दीवार खड़ी की है। ये दलित बहुजन समाज को
खत्म करना चाहता है, मेरे शब्द मानिए, खत्म करना चाहता है हमेशा के लिए। अगर अपनी राजनीति बचानी है, खेत खलिहान ढोर ढंगर चराने ये आपको वापस भेजना चाहते हैं। इनको आपकी जुबान अच्छी नहीं लगती, आपके कलम की ताकत अच्छी नहीं लगती, इन्हें चाहिए गुलाम लोग, ये आप सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग अपना नागपुरिया कानून को मानने वाले लोग हैं। ये लोग गरीबी को नहीं मिटाना चाहते बल्कि गरीब को मिटाने का काम करना चाहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पतियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है। ये जो लड़ाई है ये गरीब और अमीर की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसलिए आप लोगों की विचार, आप लोगों को फैसला करना है, देश हमारा एक रहेगा या टूटेगा ये आप लोगों को तय करना है। ये सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर ये लोग दोबारा आ गए तो आप समझे कि दोबारा चुनाव ही नहीं होने वाला, चुनाव नहीं होने वाला है। फिर से राजा महाराजा का जो युग था वो ये लोग लाने का काम करेंगे। आज डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मालिक आप हो, जनता हो। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर 17 और 18 अप्रैल को नालंदा में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव की तैयारी का जायजा लेने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक नालंदा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मंच पंडाल आदि के निर्माण का निर्देश नजारत उप समाहर्ता को दिया गया। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल को आमंत्रित किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के ख्याति प्राप्त कलाकार हिस्सा लेंगे। वहीं जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि महोत्सव के दौरान मतदाता जागरूकता से संबंधित गतिविधियों का भी आयोजन स्वीप कोषांग के माध्यम से किया जाएगा। नरकटियागंज नगर के मुखिया जी चौक पर एक सिलाई के दुकान में गैस सिलेंडर में आग लग जाने से हजारों मूल्य का कपड़ा जलकर राख हो गया। आग लगने से आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों ने गैस सिलेंडर पर बालू एवं पानी फेंक कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के बिसहा गांव के समीप तिरहुत मुख्य नहर के 9 आरडी पुल के पास एक अर्धजला महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला को पहले जलाया गया है और उसके बाद उसे अधमरे हालत में नहर में फेंक दिया गया है, लेकिन प्रशासन अभी तक इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। ये लेडीज का एक जलाया हुआ शव है जो लगभग 15-20 दिन पहले का लग रहा है, और ये 9 वाडी पुल पर है, वाल्मीकि नगर जल संसाधन विभाग का 9 वाडी पुल। कटिहार में विस्थापितों के लिए सरकारी जमीन आवंटित करने के नाम पर खूनी जंग हुआ है। सरकारी जमीन के बगल में ही निजी जमीन पर विस्थापितों को बसाने का विरोध करने पर जमीन की मालकिन कूड़ी मुरमुर को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। अहमदाबाद थाना क्षेत्र के जमरा पगना बैरिया गांव के इस मामले में पीड़ित पक्ष कोर्ट में अंचलाधिकारी, कर्मचारी, वार्ड सदस्य और कई दबंगों पर परिवाद पत्र दायर करते हुए आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से सीज टोला में विस्थापितों के लिए आवंटित सरकारी जमीन के बगल में आने वाले उनकी जमीन को हड़पने की साजिश की जा रही है, जिसका विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। मतलब हम लोग खेत गए, ठीक है, वहाँ रसीद ही दिखा रहे थे, मतलब कर्मचारी उसी मोमेंट में कर्मचारी आदेश दे दिया और खुद भी चलाया है हाथ, और आदमी जो भी था वहाँ मारने वाला मंचू साहब, ठीक है, इसके बाद था आपका कर्मचारी और सीईओ भी मौजूद था वहाँ पे। हाँ, रसीद दिखाने के क्रम में मतलब मारपीट हुआ है। खेत का जमीन वाला
अपना जमीन वाला। अच्छा। तो उसी में मतलब खुट्टा जो गाड़ रहा था उसको केवल थोड़ा सा ही उखाड़ा था, उतना में ही मारपीट स्टार्ट हो गया। बेदिया नगर में अतिक्रमण हटाने के बाद तुरंत साइकिल व मोटरसाइकिल का पार्किंग स्टैंड बनाने का कार्य नगर सभापति के आदेश पर शुरू हो गया है। वहीं सोवा बाबू चौक पर बनाए जा रहे पार्किंग स्टैंड का निरीक्षण सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने किया। सभापति ने कहा कि भारी विरोध के बाद भी सोवा बाबू चौक से पूरी तरह से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर बनाने में यह पहल सफल रहा। वहीं दो पहिया पार्किंग सेवा बहाल हो जाने से वाहन चोरी से काफी राहत मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर झंझारपुर लोकसभा सीट से एनडीए जदयू के प्रत्याशी रामप्रीत मंडल ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। वहीं नामांकन के बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें पार्टी नेता आरसीपी सिंह सहित एनडीए के कई दिग्गजों ने लोगों को संबोधित कर एनडीए प्रत्याशी को जिताने और पीएम मोदी तथा सीएम नीतीश के हाथों को मजबूत करने की अपील की। एक तो पुल बना सबको कहता है ऐसा भारतीय जनता पार्टी जनता दल के पहले मसौढ़ी विधानसभा के जदयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक मसौढ़ी के दुल्हन उत्सव हॉल में संपन्न हुई। जदयू की इस बैठक में मुख्य रूप से एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल यादव उपस्थित रहे। एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट देकर जिताने का संकल्प ले और केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाए। नीतीश कुमार का जिंदाबाद नहीं किया, मैं कार्यकर्ता था झंडा लेकर घूमने वाला और बड़ा श्रेय मिलता रहा है, बहुत श्रेय मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। उसके कई कारण जीवन की शुरुआत की है, एनकॉल में शासन का मैं अध्यक्ष था। जाली नोट छापने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। इसके साथ ही 5,23,000 रुपए के जाली नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही नोट छापने के लिए उपयोग में लाए जा रहे प्रिंटर को भी बरामद कर लिया है। वहीं सारण एसपी ने बताया कि इन जाली नोटों को लोकसभा चुनाव में भी खपाया जाना था। पुलिस इस मामले की आगे की कड़ी तलाशने में जुटी हुई है। ये सब कुछ खाया लेकिन कुछ इस टाइप का भी है, दोनों साइड में खा लेते हैं, कुछ इस टाइप का है, दोनों काटना है, सब अच्छा काट का है। 2000 वाले का छुपा दिए, 2000 सामने रखती है। पाँच गो है, गिनती ठीक है ना? चार सारण पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया गया है। अवैध कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए, विशेष करके चुनाव के माहौल को देखते हुए। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बनियापुर थाना अंतर्गत तथा कोपा थाना अंतर्गत के कुछ व्यक्तियों द्वारा जाली नोट का कारोबार किया जा रहा है, जिनका नेटवर्क असम से लेकर यूपी तक फैला हुआ है। इसमें एसआईटी की टीम गठित करके बनियापुर थानाध्यक्ष, कोपा थानाध्यक्ष और एसआईटी के इंस्पेक्टर अरुण कुमार अकेला, साइकिल इंस्पेक्टर सदर हीरालाल प्रसाद, इन लोगों के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई और छापामारी का निर्देश दिया गया। छापामारी के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें कि लगभग 5,25,000 रुपये के जाली नोट, जाली करेंसी बरामद किया गया है। और इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।